सो परमेश्वर के लोगों, आज हम पवित्र आत्मा के बारे कुछ सीखना चाहते हैं और आज मैं आपको पवित्र आत्मा पाने के दो मुख्य तरीके बताना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा कैसे पाएं, दो मुख्य तरीके आपको मैं बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा पाने के दो मुख्य तरीके, कैसे पवित्र आत्मा को हम लोग पाते हैं, कैसे पवित्र आत्मा को पा सकते हैं अगर आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला तो। पहली बात, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगें तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगें तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। लुका की अंजील 11 अध्याय और उसका 9 से लेकर 13 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, परमेश्वर मसीह कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसका पिता उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्या लिखा है, परमेश्वर मसीह ने कहा, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सो जब आप पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देंगे। जब आप पवित्र आत्मा मांगेंगे, प्रार्थना में कहेंगे कि हे पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा को आप बीच में उंडेल देंगे। अब दूसरी बात, दूसरा तरीका, प्रभु के दासों के हाथ रखने के द्वारा, जब वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी कि जब परमेश्वर के दास लोग सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं कि हे पिता इन्हें पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए, तो पवित्र आत्मा उन्हें मिल जाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 15, 16 और 17 वचन में लिखा है, और उन्होंने जाकर, किन्होंने, परमेश्वर के दासों ने, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। उन्होंने जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर के दासों ने जाकर प्रार्थना की कि वो लोग पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में के नाम में बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जाने के परमेश्वर के दास लोग, पास्टर लोग जो आपके पास रहे, जब आप पर हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा इन पर उंडेल दीजिए, तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। फिर जब प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 2 वचन और 6 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। जब पौलुस ने उस पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब परमेश्वर के दास ने
उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब परमेश्वर के दास ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। सो परमेश्वर के लोगों, दो मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण यह है, मुख्य तरीका है आप कैसे पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, जब आप पिता से प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए परमेश्वर के दास लोग जब हाथ रखा और प्रार्थना की कि पिता इन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए, तो वो पवित्र आत्मा से भर गए। मैं आपको बताता हूं एक दिन क्या हुआ। एक दिन मैं किसी के घर पर गए हुए थे हम लोग, और एक सोफे के ऊपर हम लोग बैठे थे, एक कोने पर मैं बैठा था और एक ही सोफे पर हमारे एक पास्टर थे, पास्टर मक्खन सिंह, वो बैठे हुए थे। तो हालांकि मैं थोड़े समय के लिए वहां पर गया था और अभी हम गए थे और वो चाय वगैरह कुछ देने लगे, जब तो उसने मेरे से पूछा, पास्टर ने, कि कहता है कि आप लोग जब किसी के सिर पर हाथ रखते हो वो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वो लोग अभिषेक से भर जाते हैं, इतनी सामर्थ्य से भर जाते हैं, कई बार सामर्थ्य से भर कर उन्हें कंट्रोल नहीं होता और कई बार पीछे की ओर गिर भी जाते हैं, तो ये वरदान मुझे भी चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे मुझे भी मिलेगा। भी मैंने देखा पास्टर बेनी हिन को देखा, और वो जब पास्टर बेनी हिन या कई और पास्टर भी हैं वो उनके द्वारा अभिषेक आ जाता है, तो ऐसे मेरी चर्च में भी ऐसा मैं हाथ रखूं और अभिषेक से भर जाए, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अभी अभी मैं आपके लिए क्या करता हूं, सिर पर हाथ रख के मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और उस समय के बाद आप में अभिषेक आएगा, आप जिस पर हाथ रखेंगे वो लोग भी पवित्र आत्मा से भरने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा अभी ऐसे ही, मतलब यहां बैठे बैठे ऐसे भी, जहां कुछ अलग से। मैंने कहा नहीं अभी बैठो, वहां बैठे थे हम लोग चाय पी रहे थे, तो उसी समय मैंने प्रभु परमेश्वर के नाम से उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, एक आधा मिनट की, डेढ़ मिनट की प्रार्थना, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उस एतवार के दिन से, जब उन पहला एतवार प्रार्थना के बाद आया, इतना अभिषेक हुआ जिसके भी हाथ रखते थे सिर पे वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे, सामर्थ्य से भर जाते थे। तो एक तो आप जब पिता से मांगते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे मालूम है कि ऐसा होता है, मैंने भी प्रभु के वचन से सीखा, परमेश्वर से कहते हैं स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और दूसरी बात हम लोग सीखते हैं प्रेरितों के काम में कि जब परमेश्वर के दास लोगों ने हाथ रखा तो वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। आज हम सब प्रार्थना करने वाले हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, आज सबके लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, आप प्रभु की सामर्थ्य से भर जाएं, आप पवित्र आत्मा से भरें, उसके वरदानों से भरें। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी, प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी पवित्र आत्मा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु ने यह वादा किया था, प्रतिज्ञा थी। और यूहन्ना 16:7-8 वचन में तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, परमेश्वर से कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर का यह वादा है। और फिर यूहन्ना 16:13-14 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें
बताएगा। सो ये जो थे प्रभु का वादा था, प्रभु की प्रतिज्ञा थी प्रभु की। और सिर्फ यही नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है, मरकुस 1 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ना पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो ये वादे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वादे हैं परमेश्वर के नया नियम के अंदर। नया नियम के अंदर प्रभु परमेश्वर के वादे हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, सब प्राणियों पर, सब प्राणियों पर अपना आत्मा डालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और तुम्हारी दासियों पर भी मैं उन दिनों में आत्मा, अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। सो ये पुराना नियम में भी और नए नियम में भी परमेश्वर का वादा था, प्रतिज्ञा थी कि मैं उंडेलूंगा पवित्र आत्मा को। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यह कहा था, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, प्रभु यीशु ने कहा था। और ये सब जो प्रतिज्ञाएं थी परमेश्वर की वो पूरी होती हैं आकर प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिज्ञाएं वहां पूरी होती हैं। लिखा है, जब पेंतिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, पेंतिकुस का मतलब 50वां दिन, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभ में फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सो परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वादा था जो परमेश्वर ने वहां पर अपने प्रतिज्ञा को, वादे को पूरा किया, वादे को पूरा किया। तो अब मैं थोड़ा सा यह बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के लाभ क्या हैं। पहले 2 मुख्य कारण हैं, हम पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं, फिर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा का पूरा होना, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के लाभ। पवित्र आत्मा के लाभ बताना, अगर मैं बताने लगूं तो कितने ही दिन लग जाएं ना? परमेश्वर के कितने लाभ हैं, है ना? अगर हम लोग ये पूछें परमेश्वर के कितने लाभ हैं, तो ये बताना कैसा, कितने लंबाई चौड़ाई इसकी भी, ये लाभ और कितने दिनों में लगे रहे हम लोग, ठीक है। सो लेकिन मैं थोड़े से आपको बता देता हूं बातें। पहला करंथियों 12 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक पवित्र आत्मा के 9 वरदान वहां लिखे हुए हैं। 9 वरदान, पहला बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा, और अनेक प्रकार की भाषा यानी कि अन्य भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ। और प्रभु यीशु ने समय कहा, लाभ क्या है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ्य पाओगे। अब कई बार 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा बोलना। अन्य भाषा क्या है, पहला करंथियों 14 अध्याय उसका 2 वचन और 4 वचन भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और 4 वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता वह अपनी ही उन्नति करता है, और परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। पवित्र आत्मा के लाभ क्या है, ये बहुत कठिन है, मतलब आपको सब बातें बताना। रोमियो 8 अध्याय और 26 वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी तुम हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर भर कर
जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है ना, सो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करता है। और यूहन्ना 14:16-17 जैसे हम प्रतिज्ञा में पढ़ चुके हैं कि वो सहायक, कंफर्टर, सहायक, मददगार। मददगार का मतलब हेल्पर नहीं, कंफर्टर। मददगार का मतलब पवित्र आत्मा हेल्पर नहीं है, मुझे ये दे दो, मुझे ये पकड़ाना, मुझे ये करना, ये करना, जैसे मिस्त्री के साथ कोई हेल्पर लगा हो। और सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, ऐसा बातें लिखी हुई है, वो एक कंफर्टर है, मददगार है, और वो प्रभु की बातों में से हमसे बात करेगा, वो सत्य का मार्ग बताएगा, जैसे यूहन्ना 16:13-14 में लिखा है, और जकरिया 4:6-7 में लिखा है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सनाओं के युवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, यरूबा बेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। यानी कि पवित्र आत्मा के कितने लाभ हैं, बहुत बताना ये बात कठिन है। पवित्र आत्मा के सब लाभ ही लाभ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के क्या लाभ हैं? पवित्र आत्मा के वो ही लाभ हैं जो परमेश्वर के लाभ हैं। इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना चाहते हैं, तो आप दो मुख्य तरीके जो मैंने बताए हैं आप वो इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, ये जरूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, संसार पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, साफ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता परमेश्वर से आप पवित्र आत्मा मांगे तो स्वर्ग या पिता तुम्हें पवित्र आत्मा जरूर देगा। दूसरी बात, जो आपके पास्टर हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं, वो आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे कि हे पिता इन्हें पवित्र आत्मा दे, तो भी आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएंगे। तो अभी समय है, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोग पवित्र आत्मा को पाएं। आप लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग पवित्र आत्मा को पाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएं, क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। जब आप पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। कोई भी शैतान की ताकत, दुष्ट आत्मा की ताकत तुम्हारे सामने खड़ नहीं सकेगी। इसलिए अभी समय है कि आप पवित्र आत्मा को पाएं। प्रभु आपको आशीष दें।